31,661 अभ्यर्थियों की, जिस चयन सूची की बात लगातार चल रही थी कि आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी या आज होगी, लेकिन आपको सच हम बता दें कि आप विभिन्न सोशल मीडिया साथ में समाचार न्यूज़ चैनल उनके माध्यम से देख सकते हैं कि विभाग के द्वारा अभी तक 31,600 जो 61 अभ्यर्थी हैं उनकी मूल चयन सूची भी नहीं तैयार की गई है। जी हाँ, अभी तक उनकी मूल सूची जो चयन सूची है वो भी तैयार नहीं की गई है। उसका कारण केवल एक ये है कि एनसीबीसी की जो पिछले सप्ताह में सुनवाई थी वहाँ से रोक लगी हुई थी और जिसकी आज की तारीख में फाइनल सुनवाई अभी 3 बजे से शुरू होने वाली थी। फिलहाल सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी होगी। अब यहाँ से आज क्या आदेश होता है, क्या भर्ती प्रक्रिया पर जो स्टे लगातार बना हुआ है उसे हटाया जाता है आयोग के द्वारा या क्या होता है, उसके आधार पर ही 31,661 अभ्यर्थियों की चयन सूची बनेगी। वैसे भी जो सुनवाई है जो 12 अक्टूबर को होनी थी यहाँ पर 31,661 भर्ती को रोक को लेकर, वो फाइनली 7 अक्टूबर 2020 को होने वाली, किस लिस्टेड हो चुका है सभी अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार कोर्ट और पिछड़ा आयोग से रुकते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। वो भी सोच रहा है कि यहाँ से आदेश आ जाए या कोर्ट का आदेश हो जाए, कुछ उसको देखते हुए प्रक्रिया को धीमा किए हुए है, इसीलिए अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सीएम योगी के माध्यम से ये आज फिर कहा गया है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएँ, लेकिन संभावनाएँ बहुत ही कम है। इंतजार करते हैं आज के सुनवाई की और आगे की अपडेट की। जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन अभी कोई भी आप अपने मन में विचार मत बनाइए कि 1-2 दिन में यहाँ पर जो आपकी मूल सूची है वो आ सकती है। तो वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।